व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। 5.5 महीने बाद फाइनली आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज है 7 नवंबर, टाइम इज 9:25 AM। मुझे जाना है गोवंडी क्योंकि एक फाइल का सबमिशन रह गया था। तो मैं और मेरा दोस्त कुशल हम लोग यहाँ से गोरेगांव से गोवंडी और बैक मुझे करना है। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रेजी क्योंकि सिर्फ एक फाइल देनी है, चेक कराना और वापस आना है। तो वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, लेकिन मार्क्स के लिए करना पड़ता है। तो ये है इंजीनियरिंग की असली सच्चाई। कुछ भी भूल गए या फिर टीचर आई या लेट आई, चली गई, निकल गई, जो हमारा केस था, तो उसमें फिर आपको भुगतना पड़ेगा। 21 नवंबर से एग्जाम है। 10 नवंबर को मेरा मेन प्रोजेक्ट का रिव्यू है। वो क्या है, वो मैं एक्चुअली मेरे दोस्त कुशल को कुछ काम आ गया तो उसके वजह से डिले हो गया, वरना फिर हम लोग 9:30 की ट्रेन पकड़ते, सीधा पनवेल जाते, काम खत्म करते। 11:30 की पनवेल से, मतलब गोवंडी से डायरेक्ट ट्रेन गोरेगांव के लिए थी, बट वो प्लान नहीं हुआ। तो मैंने अभी मेरा पूरे जो वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन पूरा साफ किया। भाई तो अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मैंने जस्ट रियलाइज किया, मुझे जो फाइल सबमिट करनी है उसमें दो असाइनमेंट लिखनी थी। एक मैंने लाइब्रेरी में बैठ के कल कॉलेज में लिख ली थी और एक मेरी बच गई थी क्योंकि हम लोग का एक रिव्यू आ गया था, तो वो रिव्यू के लिए मैं निकला और फिर वहाँ से हम लोग सीधा घर पे निकल गए क्योंकि वो जो मैम जो आज लेने वाले थे, कल लेने वाले थे फाइल, उन्होंने बोला कि अभी आप कल आओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो फिर हम लोग निकल गए और मुझे लिखना बाकी है। तो अभी मेरे फ्रेंड का कॉल जब तक नहीं आता तब तक मैं बैठ के भाई लिख लेता हूँ, आधे घंटे 40 मिनट का काम है ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलेज में बैठ के कर सकता हूँ फिर मेरा दोस्त भड़केगा भाई, बोलेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई ये जो हैंडराइटिंग देख रहे हो, इतनी गंदी हैंडराइटिंग मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं लिखी। मतलब दिस इज द वर्स्ट टू वर्स्ट आई कैन राइट। मतलब ये मैंने कुछ लिखा है अराउंड 5 मिनट में, 9:40 को चालू किया था, 9:45 को ये दो पेज मैंने भर दिए। मतलब भाई तो वो शॉट से ये शॉट हो गए हैं 10 बज गए हैं, आधा घंटा हो गया। अभी मैं मेरी फाइल सेटअप कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा है बोरिंग हो जाएगा, मैं ब्लॉग में नहीं लेता हूँ, बट देन आई थॉट कि ये मगजमारी भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ये सब कुछ मैं हम लोग को एक्चुअली होता है कि जो रिपोर्ट होता है वो सबसे लास्ट जाना चाहिए, हमारे भाई ने रिपोर्ट सबसे पहले डाल दिया। तो पूरी फाइल मैंने अभी निकाली कुछ इस तरह से, अगर आप देखोगे सब कुछ मैंने निकाला और मुझे अभी फिर से सब कुछ जो है डालना पड़ेगा। ऑल्दो सब कुछ सेटअप है बट एक दो चीज़ भी मैंने फॉर्मेट बराबर से नहीं किया था तो मुझे वो करना पड़ेगा। अभी ये फाइल सेटअप करते हैं, उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स आपको दिखा। फाइनली गाइस, तो मैं जो है अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। इट इज़ 10:10 राइट नाउ। मुझे 10:15, 10:20 की कोई भी ट्रेन मिलेगी CST वाली तो वो पकड़ेंगे। तो प्लान मेरा आज का सिंपल है, मैं ब्लॉग इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को मेरी जर्नी दिखानी है जो मैं कॉलेज में जाता हूँ। मैंने आज तक तो कोई भी ब्लॉग में प्रॉपरली जो है कवर नहीं किया। तो मेरा वही पूरा आइडिया था कि काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ तो कुछ अलग करते हैं और थोड़ा एक एक्साइटिंग ब्लॉग बनाते हैं। भाई तो एक चीज़ व्लॉगिंग के चक्कर में जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी वो ये थी कि मैं घर अच्छे से लॉक करूँ। तो मैंने पूरा मेक श्योर किया, अच्छे से सब कुछ बंद किया, चाबी बैग में एक सेफ़ लोकेशन पे डाली। तो अभी इट इज़ 10:15, मैं 10:30 तक पहुँच जाऊँगा। मैं एक्चुअली चल के जा रहा हूँ क्योंकि पहले मेरा प्लान था रिक्शा लेके फटाफट स्टेशन पहुँच जाऊँ। नेक्स्ट ट्रेन है सीधी 10:35 की, मुझे 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। गाइस तो अभी बज रहे हैं 11:50। हम लोग का एक्चुअली इनिशियल प्लान ये था कि देंगे, साइन करेंगे, निकल जाएंगे, पर अब अभी अभी पता चला है कि 1 बजे मैम आने वाली है। तो 1 घंटा मेरा टोटल वेस्ट होने वाला है, मेरा और कुशल का दोनों का। इसका तो एक्चुअली एक और सबमिशन है तो ये कर लेगा, पर मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। मतलब 1 घंटा आज फ्री में वेस्ट हो रहा है। ठीक है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, नसीब में लिखा हुआ होता तो भाई होता ही, उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्या बोलता है भाई। One eternity later. Guys, so it is 4:30 right now और मैं कॉलेज से घर पे आया 3 बजे, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अभी मुझे फिर से कल कॉलेज जाना पड़ेगा। तो अभी ये जो व्लॉग है ये मैं सीधा कंटिन्यू करूंगा मेरे मेन प्रोजेक्ट के रिव्यू के दिन पे। इट इज 4:30 राइट नाउ, अभी मैं मेरी एग्जाम का पढ़ने बैठूंगा भाई क्योंकि 21 से एग्जाम है। कॉलेज आने जाने में इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो एग्जाम का पढ़ के नहीं होता। तो मैंने बोला अभी 1-2 घंटा यूटिलाइज करता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, फिर से आके एक काम खत्म करना और फिर से पढ़ाई करने बैठेंगे। क्योंकि भाई एक बार मैं अहमदाबाद निकल गया
तब उधर जाके इम्पॉसिबल है कि ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। अभी टाइम हो रहा है 10:35, मुझे 10:45 तक जिम पहुंचना है। जिम में करेंगे बॉक्सिंग और व्लॉग में भी शूट करेंगे, क्योंकि बॉक्सिंग में 6 महीने से कर रहा हूँ और मैंने व्लॉग में अभी तक मतलब 6 महीने से व्लॉग ही नहीं डाला, तो कभी आया नहीं है। तो मैंने सोचा आज ये व्लॉग में बॉक्सिंग का पार्ट डालेंगे। ऑलराइट गाइस, सो इट इज 7:25 AM इन द मॉर्निंग। सो अभी मैं पकड़ने वाला हूँ 7:47 की CSMT स्लो लोकल, जो कि मुझे 8:40 तक वड़ाला पहुँचाएगी, और 8:40 से लेके फिर 9 बजे तक। हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम एक्चुअली 9 AM है, बट 9 बजे एक्चुअली कॉलेज खुलती है मेरी। तो हम लोग ने सोचा कि 9:15 तक मैक्स हम लोग सब लोग चारों लोग पहुँच जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोवंडी। इट इज़ 8:45, 15 मिनट का रास्ता हम लोग का चलने का है, और एग्जैक्ट डॉट टाइम पे हम लोग पहुंचे। पहले मेरे को लगा था थोड़ा और लेट हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट टाइम एक्चुअली। वो जो 7:30 की ट्रेन पकड़ती है तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और वो टाइम पे कॉलेज खुलती भी नहीं है। तो ये है कुछ गोवंडी, कुछ ऐसा दिखता है। इधर रेप्टाइल्स ऑफ कुर्ला की तरह रेप्टाइल्स ऑफ गोवंडी भी है, जिससे लोग बोलते हैं कि बच के रहना। मैंने शूट कर रहा हूँ हाइपर व्यू में, और मुझे फोन आ गया। तो ये मैं शूट कर रहा हूँ गोप्रो के हाइपर व्यू में। तो हाइपर व्यू में कुछ इस तरह से दिखता है। एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम छोटा सा है कि मैं साइड से थोड़ा मोटा दिखता हूँ हाइपर व्यू में, क्योंकि इसकी फील्ड ऑफ व्यू बड़ी है, इसके लिए थोड़ा वियर्ड लगता है। बट साइकिलिंग या ऐसा कुछ जब मैं शॉट ले रहा होगा तो हाइपर व्यू बहुत काम में आता है। तो ये 11 में हाइपर व्यू, मेरे 10 में ये सब नहीं था, 10 में खाली सुपर व्यू था। और ये सेटअप भी बहुत ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट पड़ता है, छोटू सा ट्राईपॉड है, और ये गोप्रो। मेरे मीडिया मॉड की जो डेड कैट है वो फट गई थोड़ी, तो मैंने निकाल लिया। ऑब्वियसली अभी 2 साल हो गए गोप्रो को, तो मतलब मीडिया मॉड को 2 साल हो गए भाई। तो अभी व्लॉग कंटिन्यू करेंगे सीधा रिव्यू ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी से लेके रिव्यू होने तक हम लोग सब लोग अभी डिप्रेशन और टेंशन में जाने वाले हैं कि क्या पूछेंगे एक दूसरे को। हम लोग एक दूसरे का वाइवा लेंगे, और किसको क्या आता है वो तो कल रात को हम लोग ने मीटिंग में डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी एक बार एक दूसरे को समझाएंगे कि भाई प्रोजेक्ट एक्चुअली कर रहा क्या है। मैंने व्लॉग में भी नहीं बताया। फाइनली गाइज, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। हम लोग फाइनली जा रहे हैं रिव्यू के लिए। थोड़ी फट रही है सबकी, बट हम लोग ने डिस्कस कर लिया, सब कुछ सेट है। तो रिव्यू के बाद आपको मिलते हैं। इट इज 9:10 AM, 9:15 को बुलाया, तो 5 मिनट में हम लोग जाएंगे। शाम के 4, मैं घर पे एक्चुअली 3 बजे आया था, नहाया खाया और अभी चाय गरम रखेंगे। और पहले इधर मैं पंखा बंद कर दे, चाय निकालते हैं कप में। एक्चुअली मुझे इस तरह से शूट करने में बड़ा मज़ा आता है, जब मेरा ट्राइपॉड एक लोकेशन पे हो। इसको थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू शूटिंग बोलते हैं, कि एक जगह पे आप किसी कैमरा को रख दो और वहाँ से आप शूट करो। भाई मेरी बहुत फटती है ये सब शूट करने के लिए, क्योंकि व्लॉगिंग करने करने के चक्कर में इधर कुछ लफड़ा हो गया तो भाई डन।
भाई। तो अभी एक्चुअली जो मेरा मेन प्रोजेक्ट का जो रिव्यू था, वो रिव्यू में हम लोग का एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट रेडी नहीं था। ऑल्दो ये जो सेम है, ये सेम में पूरा प्रोजेक्ट दिखाना भी नहीं था। हमारे पास एक कोड फाइल थी, बट कोड फाइल का भी एग्जीक्यूशन थोड़ा इतना ठीक से नहीं हो पाया था। एंड सेकेंडली आइडिया क्या है वो प्रेजेंट करना, तो वो बहुत अच्छे से हुआ और ये रिव्यू वॉज सक्सेसफुल। मतलब ये रिव्यू इंजीनियरिंग में एक्चुअली जब सेकेंड लास्ट सेमेस्टर होता है तो ऐसा ही जनरली होता है, बट एट्थ सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट होता है वो फुल स्केल पे जो है होना चाहिए। और सेकेंडली दूसरी बात ये है कि हम लोग ने काफ़ी सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स ढूंढे, फिर ये एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनालिसिस पे मशीन लर्निंग यूज़ करके डिटेक्ट करने की कोशिश की कि इट इज़ अ फ्रॉड और नॉट। अभी मैं सब कुछ बताने जाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो मैं उतना भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ मोटा मोटा हम लोग का प्रोजेक्ट ये था एंड इट वॉज़ गुड। हो गया प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो पेपर वर्क होता है उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ, तो वो सब पेपर वर्क ख़त्म किया, साइन की, ये साइन वो साइन, और फाइनली थोड़ा टिफिन विफिन ब्रेड बटर लेके गया था, वो खाया और निकल गए। तो अभी भाई मेरी सीधी एग्ज़ाम है 21st को, 10 दिन 11 दिन का गैप है बीच में। और गाइस तो अभी ये जो व्लॉग है ये व्लॉग को रखते हैं हम यहीं पर, क्योंकि मुझे पता है बहुत शॉर्ट स्वीट और सिंपल था। काफ़ी टाइम बाद 5.5 महीने बाद जब मैं व्लॉग डालूं तो मुझे चाहिए था कि एक छोटा सा सिंपल सा क्यूट व्लॉग हो। और नेक्स्ट व्लॉग में ऑब्वियसली मैं एक कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि एक छोटा सा 4-5 मिनट का एक व्लॉग होगा, ज़्यादा उसको नहीं खींचेंगे। और पिछले एक हफ्ते से मैं रेगुलरली रोज़ कॉलेज जा रहा हूँ, तो मतलब मैं शूट कर रहा था बट क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं एडिट स्टेशन पे बैठूँगा तब मुझे पता चलेगा, और मेरा जो पता चलेगा, और मेरा जो SD कार्ड रीडर है वो मेरा भाई अहमदाबाद लेके चले गए, तो वो जब रीडर मेरे हाथ में आएगा, वो रीडर डालने के बाद GoPro का पूरा डेटा और फ़ोन का डेटा मिलेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग इस तरह एंड कर रहा हूँ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज वेरी सून इन अ न्यू व्लॉग। और एक दो अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स भी प्लान है तो वो भी करूँगा, और आई होप बस भाई एग्ज़ाम का थोड़ा मेरा सेटिंग हो जाए, क्योंकि मेरी बहुत फट रही है एग्ज़ाम बीच में, मतलब एकदम पीक टाइम पे है, दिवाली के बाद तुरंत एग्ज़ाम है, तो वही थोड़ा हो गया, बट देख लेंगे, हर बार कर ही लेते तो ये टाइम भी कर ही लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अभी भाई काम बहुत है, काम करते हैं, व्लॉगिंग तो चलती रहेगी।